तीसरी चीज के जब वो बीमार हो जाए तो उसके आदत को जाए, ये भी हक में से, उसको हक अदा करना है, बीमार हो जाए तो वो उसमें जाए। ये सही बुखारी की रिवायत में मिलता है, सही बुखारी हदीस नंबर 1240 के पांच हक है, और हक है यानी कि देना, हक उसी कहा जाता है यानी कि उसको अदा करना पड़ेगा। तो जब बीमार हो जाए तो वो उसके आयादत को जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की आयादत को जाया करते थे और उनके लिए तोहफे ताइफ ले जाया करते थे। और इसका क्या है कि हम इसका कैलकुलेशन नहीं करते, असल इसका सवाब कितना है। इसका सवाब मैं बता भी चुका हूँ, कई बार बताया भी है कि इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इतना इसका सवाब है। जैसे हम एक अमल करते हैं, ज़्यादा सवाब के लिए हम अमल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो सुनन नसाई की रिवायत है हदीस नंबर 1663 के जब इमाम ये कहता है समीउल्लाहु लिमन हमीदा, तो हम कहते हैं कि हाँ कि लब्बना लकल हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। जब ये कहते हैं तो इसके अंदर कि अल्लाह की बहुत ज़्यादा तारीफ है, वो पाकीज़ा है और जिसने बरकत दी है। तो ये जब एक सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम के पीछे रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन, ये जब ये कहा तो वो अल्लाह के रसूल सल्लम नमाज के बाद पलट गई है, अल्फाज किसने कहे थे? पहले तो सहाबा डर गए कि कुछ गलती हो गई, तो उन्होंने कहा, फिर एक साहब ने कहा कि हाँ मैंने कहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर तुमने कहा तो मैंने देखा कि तुम्हारे अल्फाज को लिखने के लिए 30 फरिश्ते सबकत हासिल कर रहे थे, यानी दौड़ रहे थे कि मैं लिखूँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको बोलते हैं नमाज के अंदर। अब बल्कि ये तो नमाज के अंदर ख़त्म हो गया है, बोलते तो क्या है, कुछ ही लोग बोलते होंगे लेकिन ख़त्म हो गया कि नमाज के अंदर से बोला जाए, बोलने में से ही कि इस तरह से, क्योंकि नहीं तो खामोशी से ही पूरी नमाज खत्म हो जाए। जब भी रब्बना लकल हम्द हो तो उसमें इसको थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में बोला जाए, क्योंकि तेज़ आवाज़ में बोला तभी अल्लाह के रसूल ने सुना और पलट कर फिर पूछा कि किसने बोला था, तो इसको बोलना चाहिए। ये भी सुन्नत है जो मिट सी गई आज। तो अब ये बीमार पोसी का, अब ये इतना सारा सवाब है कि 30 फरिश्ते उसको लिखते हैं। अब बीमार पोसी का सवाब हम देखिए, अब इसके लिए हम इसको करते हैं क्योंकि इसके अंदर 30 फरिश्ते लिखते हैं, तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। भले धीरे बोलते हैं लेकिन बोलते जरूर है जो जानते हैं उसको। ये सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस नंबर 2568 कि जब कोई शख्स बीमार पोसी के लिए निकलता है, अल्लाह के फरमाया कि जब कोई शख्स बीमार पोसी के लिए निकलता है तो अगर वो शाम को निकलता है तो सुबह तक, और अगर वो सुबह निकलता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी मगफरत की दुआ करते हैं। और जब तक वो बीमार पोसी करता रहता है, यानी उसके पास में बैठा रहता है, उसकी खिरखवाई करता रहता है, उसको तसल्ली देता रहता है, तो वो जन्नत की क्यारियों में से चरता है और वहाँ घूमता रहता है। कितना बड़ा सवाल, 70,000 फरिश्ते मगफरत की दुआ कर रहे हैं, फिर वो जन्नत की क्यारियों में से चर रहा है, यानी वो बोल रहा है मतलब खा रहा है वो, और वहाँ पर वो घूम रहा है। इतनी इसकी ज़्यादा फजीलत बताई गई। तो 30 फरिश्ते लिखते तो हम करते हैं, तो ये भी है कि 70,000 फरिश्ते जब उसके लिए दुआ करते हैं तो ये हक है, ये मुसलमान का हक है, उसको देना चाहिए। ये नहीं कि आदमी के कह रहे ये फला तो बार बार बीमार हो जाता है, कितनी बार जाऊँ इसको, कोई आदमी ऐसा रहता है बूढ़ा है यही पे बार बार हो जाता है बीमार, या किसी को बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, कम उसका जिसमें ऐसा ही है, तो फला बार बार बीमार हो जाते हैं। लेकिन अब बार बार बीमार हो जाते, लेकिन ये बीमार होते तो आपको मौका देते 70,000 फरिश्तों की मगफिरत की दुआ करवाने का, तो आपके लिए तो अच्छी बात है, 5 मिनट वक्त निकाल के बाद तो